अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं चलें व्लॉग शूट करती हूँ। और व्लॉग किस चीज़ का शूट करी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को भी पता होगा सबको कि गवर्नमेंट की एक वैक्सीन आई हुई है टाइफॉइड की, और वो टाइफॉइड की वैक्सीन जो है वो 9 महीने से लेके और 15 साल तक के बच्चों के लिए है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो 11 ईयर्स के हैं माशाल्लाह से, तो उनको भी वैक्सीन लगनी है। तो स्कूल में भी लगा रहे हैं, और स्कूल से भी हमारे पास लेटर आया था कि आप इसको साइन करके दे दें तो आपके बच्चों को भी लगा देंगे स्कूल में। लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती, ज़ाहिर है स्कूल वाले भी अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं स्कूल में नहीं लगवाऊँ ऐसी कोई भी चीज़। आपको पता है कि हमारे इदारे किस तरह के हैं और कराची में गर्मी किस नौयत की पड़ रही है, और ज़ाहिर है टेम्परेचर मेंटेन पता नहीं होगा उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए मेरे बच्चों की सारी वैक्सीनेशन जो है वो मैंने आगा खान से ही कराई है, और ये वहीं के बॉर्न हैं बच्चे। तो मैं अभी भी जो है इनकी वैक्सीनेशन लगवाऊंगी खुद से, और आगा खान हॉस्पिटल से ही लगवाऊंगी। तो अभी मैं चलती हूँ वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ कि 5 मंथ से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चों को ये वैक्सीन लग रही है, और आप लोग भी ज़रूर लगवाएं इस वैक्सीन को। लेकिन मेक श्योर कर लें कि आपको क्या इजी लगता है, लेकिन मेरा मशवरा अगर मैं आपको दूं तो आप लोग खुद जाके लगवाएं। हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में हर जगह लग रही है ये वैक्सीन। और मैं अभी चलती हूँ, और मैं बताऊँगी आपको कि आंगन वालों ने मुझसे कोई चार्जेस लिए हैं कि नहीं लिए। आई थिंक शायद सर्विस चार्जेस चार्ज करें मे बी, और मे बी नहीं भी ना भी करें। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बच्चों से मिलवाती हूँ आपको। तो चलें मेरे साथ साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, ये बता दूँ, ये गिफ्ट दिया है मुझे मोहम्मद, ठीक है, और ये किचन दी है मुझे ईशा ने। ये दोनों चीज़ें इन लोगों ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट करी हैं, लेकिन मदर्स डे पे हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर सके। उसकी कुछ रीज़न थी मेरी क्यों नहीं सेलिब्रेट करा, वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी दिन इंशाल्लाह। तो बस अभी मैं, मेरे पास ये किचन है, और मतलब मेरी किचन टूट गई थी और मैंने इस किचन के रिंग में लगे रहने दी थी अपनी चाबियाँ। तो बच्चों को बहुत था कि वो मामा के पास किचन नहीं है कोई अच्छी, तो मोहम्मद जो है वो अपने हिसाब से बॉयज़ के हिसाब से लेकर आए, और ईशा जो हैं वो गर्ल के हिसाब से और पिंकिश और पर्पल टाइप की लेकर आएँ। तो अब जाहिर है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मुझे बैलेंस करके चलना होता है बच्चों को, तो मैं किस तरह से बैलेंस करूँगी ये बताती हूँ। तो मोहम्मद की किचन के अंदर मैं लगा लूँगी अपनी गाड़ी की चाबी, तो मोहम्मद भी खुश हो जाएगा, और ईशा की किचन में लगा लूँगी मैं अपने घर की चाबी, तो ईशा भी खुश रहेगी। तो दोनों चाबियाँ मेरे साथ रहेंगी, और थैंक यू सो मच मेरे बच्चों का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना मेरे छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा, और वो मेरे लिए किचन लेकर आए। तो चलें अभी आपको बच्चों से मिलवाती हूँ, बच्चों को मैं क्या ट्रीट दूँगी ये भी आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। तो ये देखें, मैंने इसमें लगा ली अपने घर की चाबी, और इसमें मैंने लगा ली अपनी गाड़ी की चाबियाँ। तो चलें अब चलते हैं बच्चों को लेके वैक्सीनेशन के लिए, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ हम आ गए हैं आगा खान, और आगा खान में मैंने स्लिप बनवाई है, तो 210 पर बच्चा चार्ज कर रही है, इनके सर्विस चार्जेस हैं। तो यहाँ मैंने इनको सर्विस चार्जेस पे कर दिए, और अब चलते हैं अंदर और वैक्सीन लगवाते हैं। ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, मैं जमाना मैं पेन यूज कर रहा हूं। सही है शा, हम तो कोई बार कैसे आप लोग उनसे क्या को ठीक है होंगे हेल्प होंगे। तो यहां एक वैक्सीनेशन थी, कैसी रही वैक्सीनेशन, थोड़ी आवाज तो निकालो अपनी। दर्द हुआ था? नहीं, पता भी नहीं चला, दर्द निकाला था सब हुआ था ना। तो चलो अब आपको ट्रीट देने के लिए यहाँ आ गए हम लोग। ग्लूकोज मिला था, की बैग हम बच्चे हैं छोटे छोटे से। क्या मिला था? ग्लूकोज प्लस मिला था, बिस्किट मिला था, और हम लोग मुझे बहुत प्यार कर रही है। अभी हम लोग आ गए हैं बहाजाबाद, और यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और अभी हमने ऑर्डर दिया है, अब खाना हमारा आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, मोहम्मद से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करूँ कि आप ठीक होंगे। आज थी वैक्सीनेशन टाइफॉइड के इंजेक्शन लगा था, तो मतलब मुझे एकदम था नहीं कि लगी, मतलब था कि पहले लगवाया था ना, मतलब पहले मैंने भी फालतू मचाया था, क्योंकि रामिन करो, कसम ना, फिर ही नहीं हुआ। और जब ये भाई पहले रहता ना, जब
उन्होंने इधर बोला अगवा कर अगवा वाला बच्चा ही बच्चा चोर बना दिया मोहम्मद ने। चलो क्या मैं सेवन क्लास में तो मच्छी ला अपना मैं पेन इस्तेमाल कर रहा था सी मेरे पेन को ढकना यूं बन गया मैं गुस्से में था भैया मैंने यूं बन के उस डर में घुस गया उसे। और यहाँ आ गई है हमारी मील और मैंने मोहम्मद ने मंगवाया है बर्गर सिंगल बर्गर और फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक और मैंने मंगवाया था फ्राइड चिकन फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक और ईशा ने मंगवाए हैं विंग्स और कोल्ड ड्रिंक। तो बस अभी हम यहाँ पे अपना खाना एंजॉय करते हैं खाना एंजॉय करके आगे चलेंगे आप मेरे साथ साथ ही रहिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो उसको सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े के व्लॉग्स एंजॉय कर सकें। और यहाँ बच्चे आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने खाना है हमारे साथ तो आ जाएँ मिलके खाते हैं सब। और बस मुझे अपना फीडबैक देखिए ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना मील और मील इंजॉय करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और कभी कभी बच्चों को बहुत स्पेशल फील कराना पड़ता है। वैसे तो मैं अकेले बाहर नहीं निकलती हूँ लेकिन कभी बच्चों की खुशी के लिए निकलना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस में थे। हस्बैंड ने कहा कि बच्चे वैक्सीनेशन करवाएंगे तो तुम थोड़ा सा उनको बाहर ले जाओ। तो मेरे लिए जो है वो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है अकेले। ये जाहिर सी बात है बच्चों के साथ अकेले जाने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आदत नहीं है शायद ये वजह भी कह सकते हैं। तो बस आज बच्चों की मेरे साथ की डेट इनके मामा और बच्चों ने अपना मील इंजॉय करा और डेट को इंजॉय करी। तो चलें अब चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुझे बताइएगा अपना फीडबैक देके कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। जब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज़।